तो हाउ आर यू। मैं वैशाली चौकीकर फ्रॉम एसकेडी पब्लिक स्कूल से। बच्चों, कल के वीडियो में हमने वन बनाना सीखा था, आज हम बनाएंगे टू। आज की डेट है 17 जुलाई 2020। बच्चों, आज हम सीखेंगे टू कैसे बनाते हैं। देखिए, यहाँ पहले सबसे पहले मैंने यहाँ पे टू गिलास बनाए हैं ये, और ये कितने गिलास है? टू, वन टू। कितने गिलास है? ये टू गिलास है, ऐसे ही हमने यहाँ पे इसलिए टू लिखा हुआ है। कितने गिलास है ये? वन टू, तो हमने यहाँ लिखा है टू। देखिए, ये टू बनाए हैं मैंने यहाँ पे, ऐसे आपको मैं टू बनाना सिखाऊंगी। आप अपनी मम्मी से या पापा से किसी से भी कहिए कि वो आपको ऐसे पॉइंट बना दे। जैसे ये मैंने यहाँ पॉइंट बनाए हैं, ऐसे पॉइंट लगवा ले मम्मी से, ठीक है? अब हमें क्या करना है, जैसे ये है पॉइंट, यहाँ से ऐसा गोला बनाना है और नीचे ले जाना है, और ये डंडा हमने ऐसी आड़ी लाइन खींचनी है। ये बन गया हमारा टू। यदि आप पे नहीं आ रहा है तो मैं यहाँ पे पेरेंट्स से कहूँगी कि वो बच्चों को ऐसे डॉट बना के दे, ऐसे डॉट टू की इसमें ऐसे डॉट बना दे, ताकि बच्चा उसे ट्रेस कर पाए। ऐसे डॉट बना दीजिए हल्की पेंसिल से, ऐसे डॉट बना दीजिए। ये देखिए, ऐसे डॉट बनाए हैं मैंने, ऐसे आप बच्चों को टू टू डॉट बना के दीजिए। ये डॉट बना के दीजिए, जिससे बच्चा आसानी से इसे ट्रेस कर ले। ये टू, ये टू। अब हमने ये डॉट बना लिए, तो अब हमें क्या करना है, ये जो फर्स्ट पॉइंट है वहाँ पेंसिल रखनी है, और ये सारे डॉट्स को मिलाते हुए नीचे लाना है, और ये सीधी लाइन खींचनी है। ये बन गया हमारा टू। ऐसे ही हम सारे डॉट मिलाते हुए नीचे वाले पॉइंट पे पेंसिल छोड़ देंगे। ये बन गया हमारा टू। ऐसे ही हमें सारे टू बनाने हैं। ये देखिए, ये बनाया है मैंने टू। ये देखिए, ये गोल किया और ये नीचे लाइन खींच दी, ये गोल किया और ये नीचे लाइन खींच दी। ऐसे ही ये गोल बनाया और ये नीचे लाइन खींच दी। ये देखिए, ये गोल बना के नीचे लाइन खींच दी हमने, ये गोल बनाया और नीचे लाइन खींच दी। ऐसे ही आपको बनाना है, ठीक है? ऐसे ही बनाना है आपको। ये देखिए, ऐसे ही गोल किया हमने और नीचे लाइन खींच दी। ऐसे गोल बनाया और नीचे लाइन खींच दी। ये देखिए, बन गया हमारा टू। ऐसे ही आप सुंदर सुंदर लिखिए, ठीक है ना? मैं यहाँ पे फिर गार्जियन से कहना चाहूँगी कि वो बच्चों को काउंटिंग सिखाए, तो उसे कुछ टॉफ़ी, पेंसिल या कोई भी छोटी मोटी चीज़ें दे दे, जिससे, और कहे बच्चे से कि वो इसे काउंट करे कि ये कितनी टॉफ़ी है, कितनी पेंसिल है, या कितनी चूड़ी है, या फिंगर काउंट करना सिखाए बच्चों के कि 1 2 3 4 और ये 5, ऐसे करके अपनी फिंगर्स पे उसे काउंटिंग सिखाए। थैंक यू।